हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है हमारे चैनल के सारे सब्सक्राइबर्स का और हमारे चैनल टेक्निकल फिजिक्स पर आने वाले नए व्यूअर्स का। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक स्पेस टाइम इंटरवल को लेकर के, इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा जो 5 नंबर में बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। अगर मैं बात करूं AKTU यूनिवर्सिटी की, तो AKTU में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स में। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी आप देख सकते हैं अपने पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को, तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, उसके दो पैटर्न मैंने लिख दिए यहाँ पे। ये आता है शो दैट स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, या ये भी आ सकता है शो दैट x² + y² + z² - c² t² इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन है, या ये भी आ सकता है कि इसके इक्वल में इनवेरिएंट की जो इक्वेशन होती है वो दोनों भी लिखी हो सकती है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे ड्राइव करेंगे। तो इसको समझने के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। तो वी नो फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है x डैश इक्वल टू होता है x - vt√1 - v² / c². दूसरी इक्वेशन होती है y डैश इक्वल टू y। तीसरी होती है z डैश इक्वल टू z। और चौथी क्वेश्चन होती है टी के टर्म्स में, तो ये होती है t - xv/c² और अपॉन में 1 - v² / c². तो ये वैल्यू है हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो उस पर लिख के भी आया है कि आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके इसको स्पेस टाइम इंटरवल को वेरीफाई करिए कि वो इनवेरिएंट रहता है, मीन्स उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि अगर स्पेस टाइम इंटरवल जो है इंटरवल इनवेरिएंट रहता है, तो इफ दिस स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट, तो इन दिस कंडीशन दिस वैल्यू x² + y² + z² - c² t² शुड बी इक्वल टू x² + y² + z² - c² t². तो ये एक इक्वेशन है जो मैंने अभी आपसे कह भी रहा था कि या तो ये दो जो क्वेश्चन लिखे हैं ऐसा पूछा जा सकता है, या ये पूछा सकता है कि प्रूफ करिए कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन वैलिड है या ये इसके बराबर होती है। तो ये जो इक्वेशन मैंने सामने लिखी हुई है ये क्या है, ये इक्वेशन ही कहलाती है स्पेस टाइम इंटरवल इक्वेशन, या कह सकते हैं लॉरेंज की स्पेस टाइम इक्वेशन है। और ये कहां से आई है, क्यों हमने इसको इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम डिटेल में समझ भी सकते हैं और आप कहेंगे तो इस पर एक वीडियो भी अलग से हम लोग बना लेंगे कि स्पेस टाइम इंटरवल क्या होता है। फिर भी एक ब्रीफ समराइज वे में मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। तो हम एक डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ड्राइव किया था। उस पर हमने ये बताया था कि अगर दो ऑब्जर्वर हैं O और O डैश, मान लेते हैं कि यहां से एक लाइट ट्रेवल करेगी, तो हमने कहा था कि लाइट C की वेलोसिटी से जाएगी और वो T टाइम में इस जगह तक पहुंचेगी जिसका नाम रख देते हैं P। O डैश के लिए हमने डिस्कस किया था, ये वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में। तो ये वैल्यू हमने कहा था कि ये वैल्यू होगी सी टी डैश की। तो ये वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। ये हमने कैसे लिख दिए, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी किसकी है लाइट की। तो इस पी पॉइंट पर अगर हम कहें कि तीन कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं इसके x y z, और चौथा कोऑर्डिनेट टी टाइम, चौथे कोऑर्डिनेट की जरूरत क्यों पड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेस टाइम इंटरवल का यूज लॉरेंज ने क्यों कहा। उन्होंने ये भी बताया था कि किसी भी अगर हम इवेंट की बात बताना चाहते हैं तो बिना टाइम इंक्लूड किए उसको हम एक्यूरेसी हम नहीं ला पाएंगे या हम उसको वैलिड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आपने नया नया एडमिशन लिया है और आपकी क्लास में फ्रेंडशिप हो जाती है किसी से, मान लेते हैं कि आपकी नई नई भाई कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है या गर्लफ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है और वो आपको टाइम देता है, मान लीजिए आपसे कहता है कि भाई संडे के दिन हम लोगों का कॉलेज बंद रहता है, आउटिंग मिलेगी हमें, तो ऐसा करते हैं कि संडे के दिन हम फिनिक्स मॉल में मिलेंगे। तो उन्होंने स्पेस
एक चुन लिया, उन्होंने कहा कि हम संडे के दिन फिनिक्स मॉल में मिलेंगे। अब उन्होंने ये तो कह दिया कि फिनिक्स मॉल में मिलेंगे, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कब मिलेंगे। तो कब मिलेंगे का मतलब क्या है कि अब वो टाइम जब डिसाइड नहीं है, तो वो टाइम 7 बजे आउटिंग बंद हो गई और घर आ गए, यानी कि हमें टाइमिंग का पता ही नहीं लगा। मीन्स कहने का ये है कि किसी भी इवेंट को अगर हमें बताना है तो वहां पर हमें ये दोनों चीजें चाहिए होंगी, स्पेस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। स्पेस को हम ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस, और टाइम का मतलब टी एक्स। डिस्टेंस का मतलब हो गया कि जितनी, या कोई स्पॉट या पोजीशन की बात हम लोग कह सकते हैं, और लाइट के टर्म्स में स्पेस ट्रेवलिंग की बात हम लोग कर सकते हैं। तो टाइम भी जरूरी है जितना, उतना ही स्पेस भी जरूरी। अब अगर हम कहते इसी बात को कि हम डिसाइड करते हैं, हम मीन्स नया नया भाई जो लड़का है उसकी नए नए फ्रेंड कोई बनाए, तो उससे वो कहता है कि ठीक है हम संडे को 5 बजे मिलेंगे। अब 5 बजे मिलेंगे, बट कहां मिलेंगे पता ही नहीं है कहां मिलेंगे, क्योंकि हमने टाइम तो डिसाइड कर लिया बट स्पेस डिसाइड नहीं किया। तो स्पेस टाइम को कुछ इसी तरीके से बताया गया है। इसको अगर मैं 2 डायमेंशनल कहूं कि ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है, और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसकी जब रिजल्टेंट वेक्टर को हम निकालते हैं, तो वहां से इसको अगर मैं कहूं तो कुछ इस तरीके से हमने निकाला था यहां पे, इस तरीके से कह देता हूं मैं इसको कि जो हमारी वैल्यू होगी टाइम की, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू, जैसे यहां पे लिखा है, वेलोसिटी टू टाइम, तो टाइम बराबर हम लिख सकते हैं इतना। तो हम कहेंगे यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम अगर लग रहा है, तो डिस्टेंस कितनी यूज करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी। यहां पर हम लाइट की ले रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सी टी के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, सी टी और स्क्वायर अगर कर दूं तो ये हो जाएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसको इधर ले आऊं सारी वैल्यू को एक साथ, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये जो मैं अभी समझा रहा हूं, ये क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने बताया है आपको कि ये स्पेस टाइम इंटरवल इक्वेशंस जो हमने बनाई है, ये लॉरेंज ने जो दी थी वो कैसे दी, कहां से दी। तो उसने यहां पर जो ये कोऑर्डिनेट लिया था P, जिसके एक्स वाई जेड और टी कोऑर्डिनेट लिए थे, उसने कहा कि अगर इस फॉर्मूले से मैं यहां पे टाइम की कैलकुलेशन करूं तो कुछ ये इस तरीके से आता है। यहां पर अंडर रूट लेने के पीछे पाइथागोरस वाला ही कुछ कंसेप्ट है, कह सकते हैं एक इस तरीके से हम ग्राफ बनाए, इसका थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अगर उसको हम ले तो थोड़ा लेंदी लेक्चर होता है, इसको मैं किसी अलग लेक्चर में, और अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखें इसको, तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे स्पेस टाइम पर डिटेल में। बट अभी यहाँ का मोटिव यही है कि मैं आपको बस ये बताऊं कि ये इक्वेशन कहां से आई। तो अब हमें ये पता लग चुका है कि ये इक्वेशन स्पेस टाइम इंटरवल इक्वेशन है, कैसे आई है, कुछ लॉरेंज के फॉर्मुलेशन को यूज करके। तो अब ये हमने समझ लिया कि स्पेस टाइम इंटरवल इक्वेशन क्या है। अब इनको हमें वेरीफाई करना है कि ये इनवेरिएंट रहती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये इनवेरिएंट होंगी तो जो वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी तो वो एक्स डैश के बराबर होगी। मीन ये पूरी इक्वेशन एज इट इज ही रहेगी, इसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं आएगा सिवाय डैश के। तो अब इसको हम एलएचएस, इसको अगर हम आरएचएस कह दें, तो आप चाहे एलएचएस से इसको ड्राइव कर दीजिए, चाहे इसको आरएचएस से। अगर लिख के आ रहा है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यहां से यहां की तरफ जा सकते हैं। इनवर्स लॉरेंज का अगर यूज करेंगे तो यहां से यहां की तरफ जाते हैं। तो हम चलिए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से जो वैल्यू है हमारे पास, मैं लिख देता हूं, आरएचएस पे हमारे पास वैल्यू है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। और अभी हमने लिख ही लिया है यहां पर कि फ्रॉम, या यूजिंग लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने लिख दिया था, मिटा दिया है, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन वन है, तो इक्वेशन वन में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से वैल्यू रख देते हैं। हमारा काम क्या चल रहा है, हम यहां से इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके, तो ये हमें मिल जाना चाहिए।
चलिए आइए देख लेते हैं इसको। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास है एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो एक्स माइनस बी टी का स्क्वायर और अंडर रूट वाला पार्ट मैंने हटा दिया क्योंकि स्क्वायर था। सिमिलरली वाई डैश स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर जेड डैश का जेड डैश हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का टर्म है सी स्क्वायर के साथ टी डैश की वैल्यू होती है टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा सेम ऐसे ही वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, केवल हमने लॉरेंस ट्रांसफर इक्वेशन से एक्स डैश की वैल्यू टी डैश की वैल्यू और वाई डैश जेड डैश की वैल्यू लग दी है। अब हमारे एम है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करें बस। तो वाई और जेड हमें ऑलरेडी मिल रहा है तो हम एक काम करेंगे, ये दोनों एलसीएम सेम है तो इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी और इसके अपॉन में वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये सब चल रहा है साथ में और माइनस के सी स्क्वायर वाले टर्म को खोल लेते हैं तो माइनस का सी स्क्वायर है और इस तरीके से एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर फोर माइनस टू टी एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। यहां पर मैंने एक स्टेप इसलिए बढ़ा लिया क्योंकि ये सी स्क्वायर बहुत बार कंफ्यूजन कर देता है, जब आप डायरेक्ट ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप मिस्टेक कर देंगे, इसलिए इसको एक स्टेप बढ़ा करके थोड़ा लेंथी हो जाए कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा दीजिए। तो साथ में है हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इस जो एलसीएम वाला पार्ट है उससे अलग हट करके है तो हमें वेरीफाई भी यही करना है जो वाई डैश और जेड डैश के टर्म्स में, इसलिए हमने इसको अलग ही कर दिया है। इसको सॉल्व हमें ऐसे करना है कि हमारे पास केवल क्या वैल्यू बचनी चाहिए, एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर, बाकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो इसको ओपन करते हैं देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का टू एक्स वी टी माइनस का, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सी की पावर फोर है तो स्क्वायर रह जाएगी केवल, तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, माइनस है माइनस ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी टू टी एक्स बी और डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें देखिए कुछ वैल्यू कट हो रही है, टू टी एक्स वी टू टी एक्स वी, तो ये सेम वैल्यू है प्लस और माइनस की है तो प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं। बची हुई जो चीजें हैं देखिए उनमें से हम कुछ ऐसा करें कि हमें वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो टर्म है ये कैंसिल होकर के मिल जाए, कैंसिल होकर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें वेरीफाई ही ऐसा करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर ही बचना है, ये टर्म हमारे कैंसिल हो जाने चाहिए तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो ये वैल्यू हमारे पास जो बच रही है तो उसको मैं लिख देता हूं, पहले एक लाइन बढ़ा के लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और अपॉन में बच रहा है वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर और साथ में आ रहा है प्लस का वाई स्क्वायर और साथ में जेड स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन सी दो वैल्यू को हम कॉमन लें, तो एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू अगर मैं साथ में कॉमन लू तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लू तो बनेगा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे यहां पर भी अगर मैं कहूं कि मैंने क्या कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर और ये वाला पार्ट साथ में ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस बचेगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का। अब देखिए दूसरा टर्म कि मैं यहां से कॉमन लेता हूं सी स्क्वायर टी स्क्वायर तो अंदर बचेगा ये वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ऑलरेडी वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का
चाइल्ड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ एक और कॉमन हमें मिल रहा है दोनों टर्म में, वन माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको बाहर ले लूं कॉमन, तो अब अंदर बचता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा साथ में वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर चल रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पर देख सकते हैं ये वाला पूरा टर्म इसको कैंसिल कर देगा, तो हैंस जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर, और ये हमारा वही पार्ट है जो हम लेकर के चले थे हमें ड्राइव करना है एलएचएस में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग ली थी या कहा था कि स्पेस टाइम इंटरवल हमेशा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा रहता है, इनवेरिएंट रहता है, अनचेंज रहता है, कोई भी वैल्यू में बदलाव नहीं हुआ, जैसी थी वैल्यू वैसा ही क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें मिल रहा है, और जहां डैश था वहां डैश हट गया है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे ऑब्जर्वर के टर्म्स में ही आ चुका है। सेम यही डेरिवेशन हम अपोजिट भी शुरू कर सकते हैं, इनवर्स लॉरेंस का यूज करके भी कर सकते हैं। इनवर्स लॉरेंस के लिए हमें क्या करना होगा, इनवर्स लॉरेंस इक्वेशंस को लिखना होगा। तो उसके लिए एक आइडिया मैं दे देता हूं, इसको आप खुद करके देखिएगा, ये न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है पांच नंबर में, और डेरिवेशन के टर्म्स में भी एग्जाम में आता है। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती है, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसको मुझे इन्वर्स करना है, तो मैंने आपको बताया था जहां पे भी डैश ना हो तो वहां लगा दीजिए, और जहां लगा हो वहां हटा दीजिए। प्लस माइनस वी को फिर से माइनस वी करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये टी डैश हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है इन्वर्स लॉरेंस की, पहली इक्वेशन। दूसरी सिमिलरली वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश थ्री, एक थर्ड इक्वेशन जेड इक्वल टू जेड डैश, और फोर्थ इक्वेशन जो होगी हमारी वो होगी टी इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v को प्लस ले लेते हैं, डैश लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से याद रखी जा सकती है इनवर्स इक्वेशंस। तो अब हम इसको अगर ऐसे वेरीफाई करना है जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर कि ये इनवेरिएंट रहता है, ये ड्राइव करना है, तो हम यहां पर एक्स वाई जेड टी की वैल्यू ये रख करके डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा हमें प्रूफ होने के बाद, सेम वही इक्वेशन मिलेगी जो अभी हमने ड्राइव करी है। तो इस तरीके से इस स्पेस टाइम इंटरवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अपने एग्जाम में, और भी हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं डिटेल में ताकि आपको जो एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से आप इसको कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट भी जल्दी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।